अधिकारी जहाँ पे पहुंचे हैं, अब जानेंगे कि वर्ल्ड वाटर डे के तहत लोगों को किस तरह से जागृत किया जा रहा है। सबसे पहले बातचीत करेंगे सर, क्या आज मीटिंग हुई है सीएससी में, पंच भी सरपंच भी यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से जागृत किया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी? हाँ, जल जीवन मिशन के अंडर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हर कॉर्नर पे हमारे दो NGOs हैं, GBT और NESBO, ये हर घर जाके हर कॉर्नर पे जाके लोगों को अवेयर कर रही है अंडर जल जीवन मिशन, जिसमें आता है कि हर घर में नल के जरिए 55 लीटर्स पर हेड पानी मिलेगा। यह प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीशन में है, हमारी स्टेट में ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एरियाज हैं जहां ये अभी नई कंप्लीशन पे जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि अब वाटर टेस्टिंग पे ध्यान दिया जाए, खास करके लेडीज़ हर घर में ये ट्रेंड हो जाएं कि वाटर टेस्टिंग कैसे किया जाएगा। वाटर टेस्टिंग के लिए किट जो है PHE डिपार्टमेंट्स के पास से मिलेगी, लगभग हर पंचायत में एक एक किट सरपंचेस को प्रोवाइड की गई है। उसके बाद अगर किसी के पास कोई मटेरियल एक्सपायर हो गया या किसी वजह से मटेरियल नहीं अवेलेबल है, तो फिर दोबारा वो री डिवीज़न ऑफिस PHE से रियासी से ले सकता है, वो इन्फॉर्म करेगा थ्रू सरपंच कि हमारा किट जो है वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, तो नया किट जो है PHE ऑफिस रियासी से डिवीज़न ऑफिस से लिया जा सकता है। तो हर लेडी को ये पानी टेस्टिंग के लिए ट्रेंड होना है, ये बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाएगी कि टेस्टिंग कैसे होगी। पूरे गांव की लेडीज़ को ट्रेनिंग करवाई जाएगी, हर घर में हर लेडी कम से कम ट्रेंड होनी चाहिए कि हर घर में पानी आएगा तो वह स्वच्छ वाटर है कि नहीं है, पानी साफ जानकारी है मुझे बताओ। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक पानी पहुंचा नहीं है, अगर बात करें संगड़ गांव की, मैं पूछने वाले जाए संगड़ गांव में अभी तक पानी नहीं, वो कैसे लोगों को फिर अवेयर करोगे, कैसे पहुंचेगा पानी? वो उसके लिए यही है कि हर एक गाँव के लिए, और ये जो जल जीवन मिशन है ये मेन रूरल एरिया पे ही फोकस है, ये टाउन के लिए नहीं है। अच्छा, ये हर एक पंचायत के लिए ही मेन ये स्कीम बनाई गई है, हर एक पंचायत को टैप वाटर, हर एक घर को टैप वाटर के साथ कनेक्ट करना है कि हर घर नल से जल देना है। उसके लिए यही किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ स्कीम्स नहीं है, हर एक गांव के लिए पर्टिकुलरली जब भी जो स्कीमें बनी गई हैं, कईयों के मैक्सिमम के टेंडर तो हो चुके हैं और कुछ अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, कुछ कंप्लीशन पे हैं, और मेन जो फोकस है डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट का वो यही है कि जल्द से जल्द, मतलब 2023 के एंड तक इनको ख़त्म किया जाए। और इसमें मेन जो रोल है वो पंचायत का है, क्योंकि ये जब स्कीम्स हम कंप्लीट भी कर देंगे, ये हैंडओवर पंचायत को करनी है, इसको पंचायत ने ही चलाना है। इसमें पंचायत जो मेन रोल पर, पंचायत पानी समितिज़ बनाई गई हैं और जो पानी समिति हैं उनके रेजोल्यूशन के हिसाब से ही जो है वो सर्वे बना था जो स्कीम का, वो पंचायत समिति के, और उन्होंने ही रिकमेंड की हैं जगहें कहाँ पे इनका ग्राउंड वाटर रिजर्वायर बनेगा, जहाँ कहाँ पे वाटर सप्लाई कौन से गांव में कम है। तो मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन हैं वो पंचायत की देख रेख में ही की जा रही है, और कल को ये चलानी भी उन्होंने ही है। इसमें PHE का रोल मिनिमाइज हो जाएगा जब ये स्कीम कंप्लीट हो जाएंगी, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनका रोल कोई नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, मान लो कि हमें मेंटेनेंस के लिए हमें बोला जाएगा वो तो हम करेंगे, लेकिन ज्यादा इसको चलाना भी पंचायतों नहीं है, मतलब पंचायत ने ही अभी तक तो ये भी है कि शायद इनके जो चार्जेस हैं वो भी पंचायत खुद फिक्स करेगी और पंचायत ही चार्जेस इनसे लोगों से कलेक्ट भी करेगी, और फिर उसके लिए जो आगे प्रोसीजर होगा वो कैसे कलेक्ट करके कहाँ कैसे उसको यूटिलाइज किया जाएगा उसकी भी गाइडलाइन शायद आएंगे, लेकिन मतलब ये पंचायत का ही मेन रोल होगा, पंचायत को ही चलाना है, और जो स्कीम इंप्लीमेंट भी की जा रही है वो भी पंचायत को मेन फोकस में रख के की जा रही है। जहाँ वो कहते हैं कि इस गांव में पानी कम है तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जहाँ पे पहले की पाइप नेटवर्क अच्छा है वहाँ पे थोड़ा कम किया जा रहा है। तो मतलब ये पंचायत का ही रोल है और ये स्कीम फोकस्ड ही रूरल एरियाज के लिए, टाउन के लिए नहीं है।